जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टिच बाय आसवा में। आज मैं एक फैंसी ड्रेस तैयार करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये टसल तैयार करूंगी। एक न्यू डिजाइन के हैं ये, पहले भी मैं आपको टसल बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन ये एक और न्यू डिजाइन के टसल है जो कि आप घर में बआसानी बना सकते हैं। मार्केट से ये तकरीबन 150-250 में ये मिलते हैं, लेकिन आप घर में अपने कपड़ों से ही पीसेस निकाल के तो इनको बआसानी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं जो मैंने सूट अपना कटिंग किया है उसमें से ये निकला है पीस, बॉर्डर वाला पीस निकला है और इसके ऊपर ये काम हुआ हुआ सारा तिल्ले का काम हुआ हुआ इसके ऊपर, और ये मैंने ट्राइंगल की शेप में दो पीसेस कर लिए हैं 3.5 इंच में कटिंग मैंने कर लिया इनकी। ये देखिए, और इसके नीचे मैंने ये देखे इसके भी ये दो पीसेस काट लिए हैं जो मैंने इसके अंदर लगाने हैं। अब मैं इसके ऐसे करके इसके अब मैं इसकी राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लूंगी। ये देखिए मैंने ये चारों पीसेस राउंड शेप में कटिंग कर ली है। ये देखिए चारों पीसेस राउंड शेप, अब इनको ऐसे इसके साथ जोड़ के तो मैं इसको इसके चारों तरफ सिलाई लगाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसके साथ ये जोड़ दिया, ये देखिए राउंड शेप में ये दोनों स्टिच हो गई जो है। इसके ऊपर अब मैं ये वाली, ये देखिए ये मेरे पास लैस मेरे घर में पड़ी हुई थी मेरे पास, और ये मैं इसके ये थोड़ी थोड़ी घुघरियों वाली लैस है, और ये मैं इसको राउंड की शक्ल में सारे जैसे जैसे ये राउंड जा रहा है वैसे वैसे मैं इसको ये देखे ये लगाऊंगी। तो कोशिश यही कीजिएगा कि लैस थोड़ी सी नरम हो जो के आसानी से राउंड होने में मसला ना करे। ये देखिए मैंने ये दोनों सर्कल रेडी कर लिए हैं। किसी भी कपड़े से ना कोई भी फैब्रिक लेके तो उसके बारीक बारीक शेडिड कर ले। लेकिन ये याद रखिएगा कि कपड़ा ज्यादा मोटा ना हो, बारीक कपड़ा होना चाहिए। हमसे जो हमारी ये टस लटकन है ये फूली फूली रहे, ना ज्यादा भारी हो। अब मैं इसके अंदर इसको ये फिल कर रही हूं, अगर आप चाहें तो पॉलीफिल भी यूज कर सकते हैं इसको भरने के लिए, ताकि ये थोड़ी थोड़ी से ना ये सॉफ्ट सी हो और ये फूली फूली अच्छी लगेगी। और इसको मैं मशीन से सिलाई नहीं कर रही क्योंकि ये सारे इसके ये घुंघरियां हैं छोटी छोटी और साज ये मोती लगे हुए हैं, इसलिए से मैं सुई धागे से ही सिलाई करूंगी मैं। तो ये देखिए इसको मैं कैसे सिलाई कर रही हूँ, इसको ये जो फिलिंग मैंने भरी है इसको अंदर कर ले, और ये जो लैस जो मैंने लगाई है लैस की तरफ से सुई डाल के तो इस तरह से इसकी सिलाई कर ले ताकि ये दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाए। ये देखिए मशीन से इसलिए नहीं सी रही
ये थोड़ा सा मोटा है और ये गोटे की लैस है घुंघरों वाली और मोतियों वाली, और ये मशीन में नहीं आ रही। अगर आप चाहें तो मशीन से अगर हो सके तो सिलाई कर लें, लेकिन आप किसी भी तरह की लैस लगा सकते हैं। मुझे ये लैस अच्छी लगी और मैंने ये इसके लिए चूज़ की। तो ये देखे लटकन का मेरा एक हिस्सा सिलाई होकर रेडी हो चुका है। तो अब मैंने ये दो पीस ओढ़ लिए हैं, इसको मैंने ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल शेप में मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसका इसे मैं गोलाई की शेप में इसको काट लूंगी। ये देखिए मैंने जिस तरफ से मैंने गुलाई की है, इस तरफ से मैं ये लैस लगा दूंगी। इधर भी इस पे भी मैं सिलाई करती हूँ। लैस लग चुकी है मेरी, ये मैंने जो गुलाई की तरफ लैस लगाई है, अब मैं इसे यूं करके यहां पे सिलाई लगा देती हूँ। तो ये देखिए यूं तैयार हो गया, ये स्टिच हो गई, ये तैयार हो गया। अब जो मैंने ये पहले ये इसके ये लटकन तैयार की, वो पहले जो इसके ये मैंने ये बनाया है, इसके सेंटर में ये यहाँ पे इसके ट्रांसलेंट में इनको लगाऊंगी मैं। ये देखिए मैंने मोती डाल ली, इसके अंदर मैंने गोल्डन कलर के मोती डाल लिए हैं, क्योंकि ये सारा काम इसका गोल्ड में है, इसलिए मैंने ये गोल्डन कलर के मोती। तो ये देखिए ये मैंने रेडी कर लिया। अब इसके सेंटर में मैं ये डोरी लगाऊंगी। मैंने ये रेडीमेड डोरी ली है, अगर आप चाहें तो आप कपड़े के कलर की भी खुद घर में भी डोरी तैयार कर सकते हैं। इसका सेंटर बना लें पहले, यूं इसका सेंटर बना के यहां डोरी को अटैच कर दें। तो मेरे ये लटकन स्टिच होके देखिए तैयार हो चुके हैं।
आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टिच बाय आसवा के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।